हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि बाथरूम में जो टैप होता है वो गंदे हो जाते हैं हार्ड वाटर की वजह से, और ये दाग बहुत ही जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। बहुत हम लोग डिटर्जेंट से भी घिसते हैं फिर भी वो क्लीन नहीं होता है। कई सारे चीज़ें यूज़ कर चुके फिर भी नहीं क्लीन होता है। तो मैं आप सबके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आई हूँ जो आपको किसी जादू से कम नहीं लगेगा। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ईजी भी है, और घर की चीज़ों से मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाऊंगी। बेशक आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा या फिर यूज़फुल नहीं लगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सबके लिए इससे पहले मैंने किचन के टिप्स दिए थे, जो 10 किचन के टिप्स दिए थे, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है उसको लेकर। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, बराई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। और इस तरीके के टैप जो कोने में होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, जिस पर जंग लगी होती है, उसको भी साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं कितना गंदा है और कितना जंग लग गया है इस पर। तो उस सॉल्यूशन को हम पहले बनाते हैं जो इस टैप को बहुत ही नया और चमकदार बनाएगा। और उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें लेना है एक बोल, कोई भी आप कांच की भी ले सकते हैं या फिर फाइबर वाली भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कांच का यूज़ करूँगी, स्टील वाले बर्तन का यूज़ नहीं करना है। तो हम यहाँ पर कांच का यूज़ करेंगे, अगर आपके पास प्लास्टिक का हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे विनेगर, ये वाइट विनेगर है जो हमने खाने में यूज़ करते हैं ना चाइनीज़ फूड बनाने में। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। हमें सिर्फ वाइट विनेगर ही लेना है, आप कोई भी फ्लेवर वाला या फिर एप्पल साइडर नहीं लेना है, सिर्फ प्लेन वाइट विनेगर ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है 1 टेबलस्पून। और उसके बाद हमें विनेगर डालने के बाद लेना है बेकिंग सोडा। खाने में जो हम ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा, उसे हमें लेना है 2 टेबलस्पून के करीब मिलेंगे। तो हम इसको 1 चम्मच डाल के मिलाएंगे पहले, उसके बाद दूसरा डालेंगे इस तरीके से, और इसको हम मिला लेंगे। बस ये हमारा सॉल्यूशन लगभग तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, फटाफट से टैप के ऊपर अप्लाई करेंगे। और किस चीज़ से अप्लाई करना है, ये पुराने टूथब्रश जो हम यूज़ नहीं करते हैं उसको हमें लेकर के इसे अच्छे से मिला लेना है और इसको अप्लाई करना है। बेकिंग सोडा स्पेशली कोई भी चीज़ फुलाने का काम करता है, जैसे हम केक में यूज़ करते हैं ना, तो केक को फुलाने का काम करता है, इसके लिए हमने यहाँ पर लिया यूज़ किया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार है। हमें टूथब्रश की मदद से अच्छी तरीके से जो टैप है इसके कोने कोने पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। जहाँ पर पीले दाग है ना दीवार के आसपास, वहाँ भी लगाना है, और जहाँ ज़्यादा गंदा है वहाँ पर थोड़ी सी मोटी लेयर लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको लगा लेते हैं, बिल्कुल कोने कोने में लगाएंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने इनको अच्छी तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसको लगभग 15 मिनट के लिए लगे रहने छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद हम इसको क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के इसमें छोटे छोटे बुलबुले भी निकल रहे हैं, यानी कि अपना काम करना शुरू कर दिया है। और 15 मिनट के बाद हम इसको साफ़ करेंगे, सेम उसी तरीके से जो ये जंग लगा हुआ टैप है ना, इसके ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर लेंगे इस पेस्ट को। इसके ऊपर हमें थोड़ा मोटा लगाना है क्योंकि ये बहुत गंदा है, आप देख सकते हैं, और इस पर बहुत ही मोटी लेयर लग गई है जंग की। तो इसके ऊपर भी हम इसको अच्छे से लगा लेंगे, इस पेस्ट को थोड़ा सा मोटा ही लगाएंगे, और इसको भी हमें 15 मिनट के लिए रख देना है। और 15 मिनट के बाद हम इसको क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया से हमने लगा दिया है, 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसमें झाग जैसा बनने लगा है। तो अब हमें लेना है इस तरीके का स्क्रबर, और इसको हमने हल्का सा गीला कर लिया है पानी से, और अब हमें इनको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है। और देखिएगा थोड़ी देर में ही ये बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा, आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, इतना ज़्यादा चमकने लगेगा ये टैप। तो हल्के हाथों से हम इसको रगड़ के साफ करेंगे। देखिए मैं बिना कैमरा कट किए हुए आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखिए अभी से ये कितना चमकने लगा है।
बिना किसी मेहनत का और फटाफट सी बहुत ही ईजी ट्रिक है, जिससे आप किसी भी तरीके का हार्ड वाटर जो टैप पर लगा हो उसको आप क्लीन कर सकते हैं। और ये देखिए, जो हमने पीला पीला दाग यहाँ पर टैप के किनारे पर था उसको भी क्लीन कर लेंगे। तो अच्छे से हर जगह रगड़ेंगे, जहाँ पर हाथ नहीं जा रहा है वहाँ ब्रश का यूज़ करेंगे। साथ ही यही मिक्सचर हम यहाँ पर भी लगाएंगे, जो हमने टैप यूज़ करते हैं ना उसके किनारे पीले हो जाते हैं सिंक के पास में, तो वहाँ पर भी हम ये मिक्सचर लगा देंगे और 5 मिनट के बाद इनको भी हम क्लीन करेंगे। तो टूथब्रश की मदद से हम यहाँ पर जहाँ पर पीले पीले दाग हैं यहाँ भी हम लगा लेंगे, क्योंकि ये जो हार्ड वाटर होते हैं ना वो डिटर्जेंट से इजीली नहीं जाते हैं, कितना भी हम मल लें लेकिन वो साफ़ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। और साथ ही ये जो टैप जो हमने लगाया था आप देख सकते हैं कैसा हो गया है, सारी जो गंदगी वो फूल गई है, और इसी स्क्रबर से हमें इसको भी रगड़ लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ना है और आप देख सकते हैं कितना इजीली ये निकल रहा है कि देखिए। तो हमने टैप को रगड़ लिया था और ये देखिए पानी से धो रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चमक रहा है, ये बिल्कुल नया जैसा लग रहा है ना। तो आप भी अपने बाथरूम के सारे टैप को जो भी गंदा हो चुका है या फिर जंग लग गया है वो भी आप इस मेथड से क्लीन कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है बिना किसी मेहनत का। तो ये देखिए जो हमारा टैप है वो कितना गंदा था और कितना चमक रहा है आप देख सकते हैं, और बिना किसी ज़्यादा मेहनत का और बहुत ही ज़्यादा सामान का यूज़ भी नहीं किया है मैंने, बस बेकिंग पाउडर और विनेगर का यूज़ किया है, और उससे ये टैप कितना नया जैसा। और अब हम इसे किसी भी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेंगे इस तरीके से, और ये आप सप्ताह में एक बार कर सकते हैं, जिससे कि हमेशा जो टैप है वो हमेशा चमकता रहेगा नए के जैसा। इसी तरीके से जो हमने ये जो जंग लगा हुआ टैप को रगड़ के साफ़ किया था आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया है, बिल्कुल चमक रहा है ये भी। एक दो बार और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, थोड़ा बहुत इस पर रह गया है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नया लग रहा है ये, और बहुत ही ज़्यादा गंदे दाग हो तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पीले दाग हमारा जो बेसिन के पास हो जाता है उसको भी हम इसी तरीके से रगड़ करके साफ़ कर लेंगे, और इसको भी हम साफ़ कर लेंगे पानी से, और आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अच्छे से चमक उठा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाथरूम की जो दीवार होती है या फिर टाइल्स पे अगर हार्ड वाटर जम जाते हैं तो उसको कैसे क्लीन करना है उसकी भी बहुत ही ईजी ट्रिक मैं आपको दूंगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अंतर देख सकते हैं टैप पहले कैसा था और अभी कैसे चमक रहा है। और अगर आपको बाथरूम के टाइल्स के ऊपर से जो हार्ड वाटर के दाग हैं उसको कैसे निकालना है अगर वो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे ही नई नई ट्रिक की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं, और डेफिनेटली 100% श्योर आपको वो वीडियो बहुत ही यूजफुल लगेगा। ऐसी ही नई नई ट्रिक की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और Twitter पे, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।